सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर इनका प्रवचन 24 जनवरी। नाम की साधना कैसे करें? नाम की साधना कैसे करें? पत्थर पर बहुत पानी एकदम से डाल दिया जाए तो पत्थर केवल भीगेगा, फिर पानी बह जाएगा और पत्थर सूख जाएगा। किंतु वो पानी यदि बूंद बूंद पत्थर पर एक ही जगह पर लगातार गिरता रहेगा तो पत्थर में छेद हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद पत्थर टूट भी जाएगा। उसी तरह किसी समय बहुत साधना के बजाय यदि अल्प मात्रा में क्यों न हो पर नित्य रूप से निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नामस्मरण की साधना की जाएगी तो उसका परिणाम अधिक होता है। चक्की में दो पाटे होते हैं, उनमें से एक स्थिर रहकर यदि दूसरा घूमता रहे तो अनाज पीसा जाता है और आटा बाहर आता है, लेकिन यदि दोनों पाटे घूमते रहेंगे तो अनाज पीसा नहीं जाएगा और व्यर्थ परिश्रम होंगे। आदमी के दो पाटे हैं, मन और शरीर। उनमें से मन स्थायी है और शरीर घूमने वाला पाटा है। मन को भगवान के प्रति स्थिर किया जाए और शरीर से गृहस्थी के काम किए जाए। भाग्य की सीमा या संबंध शरीर तक होता है। भाग्य या प्रारब्ध रूपी खूंटा शरीर रूपी पाटे में बैठकर उसे घुमाता है। मन रूपी पाटा स्थिर रहता है। देह को प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए और मन को नामस्मरण में विलीन किया जाए, यही नाम साधना है। ये नाम साधना कोई खास व्यक्ति ही कर पाएगा ऐसा नहीं, साधना तो कोई भी कर पाता है। गरीब को गरीबी का दुख होता है इसलिए साधना नहीं कर पाता। धनवान को अपने धन का अहंकार और लोभ होता है इसीलिए साधना करने को समय नहीं। विद्वान को विद्वत्ता का घमंड होता है इसलिए, और अनाड़ी को साधना कैसे की जाए ये समझता ही नहीं इसलिए साधना नहीं हो पाती। शंकित मन से कितनी भी साधना की, कितना भी नामस्मरण किया तो भी संतोष नहीं होगा। नीति धर्म का आचरण, शास्त्र शुद्ध वर्तन, शुद्ध अंतकरण और भगवान का स्मरण किया गया तो साधक अंत तक पहुंच पाएगा और अंत तक पहुंचेगा तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। घर पहुंचने पर चिट्ठी लिखो, कहने का मतलब भी वही होता है। गृहस्थी चलाते समय बुरे विचार मन में आते ही हैं। उसी तरह परमार्थ साधना करते समय यदि बुरे विचार मन में आते हों तो नामस्मरण करो। ऐसा करने पर बुरे विचार बढ़ेंगे नहीं। दृढ़ता से नामस्मरण करते रहो। जहां कर्तव्य जागृति है और भगवान की स्मृति है वहां समाधान की प्राप्ति होगी। भगवन मैं तुम्हारा ही हूँ, ऐसा निरंतर कहने से भगवंत प्रकट होते रहेंगे और हम पर जो अहंता का बोझ होता है वो भी कम होता रहेगा। प्रारब्ध और ग्रहों का प्रभाव देह तक ही होता है, मन में भजन करने में वो बाधक नहीं हो सकता। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।